गिरेगा तो नहीं है। चलो भाई ये पहला एक्सपीरियंस है, इतनी मज़ा आ रही है ना आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोटर चालू, अच्छा मोटर वो देख रहे हो, मैं बैठा हुआ अपनी बाइक में देख रहा होगा और उस पार जाना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ सोलो राइड में घूमने ग्वारी घाट तक, तो सोचा चलो आप लोग को भी लेके चलता हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल रहता है वहाँ पर, और आज मैं ना एक्चुअली रिवर के उस साइड जाऊँगा बोट से, तो मैंने सोचा यार थोड़ा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा तो आप लोग को भी दिखाता हूँ, तो चलिए चलते हैं। बाकी पहुँच गया हूँ मैं साउथ एवेन्यू मॉल के आगे, मतलब पास में, यहाँ से थोड़ी दूर बचा है ग्वारी घाट, तो जल्दी से पहुँचते हैं इसके पहले सनसेट हो जाए। तो भाई ये पहुँच गया हूँ मैं ग्वारी घाट के एंट्रेंस में। संडे है आज तो भीड़ होगी थोड़ी, तो चलते हैं अंदर साइड। पुलिस लगी हुई है यहाँ पे, फोर व्हीलर नहीं जा सकती है, घूम के जाना पड़ेगा, टू व्हीलर केवल अलाउड है। तो मैं ढूंढता हूँ फिलहाल एक नाव बोट जो कि मुझे दिख गई है, लेकिन वो भी आधे में है, तो हो सकता है थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ एकदम लास्ट में ग्वारी घाट के, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, और मैं जा रहा हूँ उस साइड नदी को पार करके, तो मैं जाऊँगा बोट में, तो बोट का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बोट है अभी उस साइड। और अपन यहाँ से नज़ारा देखे तो भाई अभी हो रहा है सनसेट, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है देखने में। ये दिख पा रहा होगा आप लोग को नाव आके ये साइड, इसी से मैं जाने वाला हूँ उस साइड अपनी बाइक के साथ, तो थोड़ा साइड हो जाता हूँ, नाव यहीं पर लगेगी। तो भाई चला जाए, गाड़ी नाव पे चलाई जाए, और मैंने अभी चार्ज की बात की, 5 रुपये पर पर्सन है उस साइड जाने का और 5 रुपये बाइक का, तो मतलब 10 रुपये में आप उस साइड जा सकते हो। तो चलो मैं बाइक चला देता हूँ। भाई सीधे चढ़ा दूँ, सीधे चढ़ा दूँ, गिरेगा तो नहीं है। चलो भाई ऐसी लगा दूँ, ऐसी तो डर लग रहा है भाई, कौन है बंद कर दी। चलो भाई अपन तो आ गए नाव के ऊपर, सनसेट हो रहा है और गाड़ियाँ लग रही हैं। ये बैठने का है, यहाँ बैठ के आप जा सकते हो उस साइड, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी होंगी, भाई ले जाएगा अपने को। ये मोटर है जिससे नाव को पुश मिलता है, तो अपन भी बैठते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, बढ़ेंगे आगे के। और किसका है? ओके ये लो भाई, और खिसका भी एक गाड़ी, एक ही नाव में चढ़ाओगे यार। ये लो भाई गाड़ी आ गई, गाड़ी नंबर 9 गाड़ियाँ हो चुकी, तो अच्छा चलना चाहिए, जगह भी नहीं बची है नाव में, तो बढ़ना चाहिए आगे, जगह नहीं मेरी खड़े होने की, देखो मुझे मैं कैसे खड़ा हूँ यहाँ पर, कैसे करता। हालांकि इससे पैर करके बैठ सकते हैं जगह, तो मैं बैठूँगा अपने बाइक के ऊपर ही और फिर आगे आप लोग को दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत जाएगी क्योंकि फिर वैसी विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है रास्ते जैसी, अभी तक तो ठीक है फिलहाल, अपन बढ़ेंगे आगे की ओर। ये अब होगी मोटर चालू, मोटर कहाँ है, मोटर यहाँ है, ये हो गई मोटर चालू। अच्छा मोटर वो देख रहे हो, वो मोटर का क्या बोलते हैं उसको, रोटर टंकी, अब जाएंगे उस साइड। चलो घाट भी देखने मिलेगा दूर से, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अलग ही एक्सपीरियंस है, अभी अच्छा लग रहा है। वो बीच में मंदिर दिख रहा होगा, नर्मदा जी का मंदिर है बीच में नदी के, और नाव चल रही है, कई सारी लाइटिंग्स लगी हुई है,
काफ़ी अच्छा सा माहौल लग रहा है और काफ़ी गहरे पानी में है फिलहाल। तो भाई साहब ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, मैं बैठा हुआ अपनी बाइक में दिख रहा होगा और उस पार जाना है। तो देखो एक गाड़ी उस साइड से और जा रही, ये बगल से निकल रही है नाव। बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, उस साइड है दूरी पे काफ़ी लोग नहा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी मैं कोशिश करूँगा उतर के उस साइड जाने की, अगर अंधेरा नहीं हो पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप लोग को। यार घाट देखो कितना सुंदर लग रहा है, अभी तो भी और लाइटिंग चालू हो जाएंगी, इसके बाद फिर वहाँ पर पूजा होगी तो और अच्छा लगेगा। ये गाड़ी अपनी लग चुकी है, मतलब नाव अपनी लग चुकी है, यहाँ से उतरेगी बाइक्स। ये लग गया ऊपर, चलो मैं भी उतरता हूँ। फाइनली भाई मैं उतर गया हूँ, शाम सी हो गई है, फिर भी आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। उस साइड चलते हैं, उस साइड नहीं इस साइड चलते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ घाट का अपोजिट घाट। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली बोलते क्या है इस घाट को, लेकिन मैं सिर्फ दिखाता हूँ आप लोग को। देखो पिकनिक चल रही है, अभी भी लोग चिल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और दिन में आता तो और अच्छा लगता, लेकिन अभी भी ठीक ठाक दिख रहा है। एकदम बाइक लेके मैं आ गया हूँ किनारे, पता नहीं अलाउ है भी कि नहीं। और यहाँ पर देखो मिलते हैं टायर नहाने के लिए, सॉरी टायर बोल रहा हूँ ट्यूब। तो इससे क्या होता है ना, डूबते नहीं है सब, इसमें तैरते रहते हैं, इसको बैठ के चिल करते रहते हैं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। और भाई ऐसा ही है, यहाँ तक चले जाओ देखो कितना आगे तक लोग गए हैं लेकिन डूब नहीं रहे। अपन चलते हैं। अच्छा ऊपर ड्रोन है क्या? देखो ऊपर से जा रहा है एक प्लेन, जो कि दिख रहा होगा आप लोग को शायद, या पता नहीं, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इससे थोड़ा आगे यहाँ से है एयरपोर्ट, दुमना एयरपोर्ट। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, शूज़ पहना हूँ, ज़्यादा पानी में तो नहीं जा सकता। अभी भी लोग नहा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, इससे पहले वो गाड़ी लौट जाए। तो मैं चलता हूँ वापस, जहाँ मंदिर है इस साइड, शायद पहले नहीं थी, अभी कुछ टाइम हुआ बने। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, मैं आया हूं ग्वारी घाट से इस साइड। अब किसी को अगर जाना पड़ता है, वैसे जो जबलपुर के, तो जबलपुर वाले हैं तो उनको तो पता होगा कि अगर किसी को बरगी साइड जाना होता है ना, वो हाईवे से जाते हैं, ऐसे पूरा घूम के जाना पड़ता है, जो कि उन लोग का अप्रॉक्स 12 से 15 किलोमीटर आराम से पड़ता है। लेकिन आप यहां से आते हो ना सीधे क्रॉस करके, अगर आप टू व्हीलर में तो आप सीधे यहां पर आ जाओ, तो आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। 10 रुपये में आप आ जाओगे इस साइड, और वहां से जाओगे तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, पेट्रोल भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो बी स्मार्टर, मैं चलता हूँ यहाँ से वापस। ये खड़ी है मेरी बाइक अकेले यहाँ पे, और किसी की बाइक नहीं है यहाँ पे, मैं अब ले आया, किसी ने भी बोला भी नहीं कुछ। अब मैं चलता हूँ वापस, इससे पहले कोई बोले। लाइट चला लेता हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया है, और देखो नाव फुल हो गई है वहाँ पर, मुझे लग रहा है चली जाएगी वापस। इससे पहले मैं भी पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, और कहाँ क्या रास्ता है, कहाँ से आया था, यहीं से आया था। नाव रेडी है जाने को, और मैं पहुँच जाऊँगा उसके पहले, और लगभग पहुँच ही गया। तो मैं सीधे चढ़ाऊँगा बाइक अपनी ऊपर, आ गया हूँ ऊपर, अब वापस लौटेंगे। तो रात में 10 बजे तक आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी, यहाँ से इस साइड से उस पार से इस पार।
और बिल्कुल कंटिन्यू लोग आते हैं और आते जाते रहते हैं। मतलब 5 मिनट के अंदर गाड़ी, मतलब एक पूरी बोट भर जाती है और 10 गाड़ियाँ आराम से आ जाती है और 10-12 लोग भी आराम से आ जाते हैं। लोग ज़्यादा ही आ जाते हैं, लगभग 15 लोग आ जाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ का सिस्टम। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप अगर बाइक में आए हो ना और उस साइड जाना है, नॉर्मली आप लोग नाव को करते हो घूमने के लिए, 50-80 रुपये ईजीली लग जाता है ऐसे ट्रिप लेने का। तो कभी एक चीज़ ट्राई करना, 10 रुपये देना, अपनी बाइक को भी साथ पे रखना और फिर उस साइड जाना और फिर घूम के आना और फिर इस साइड भी आना। मतलब 10 रुपये में आप और आपकी बाइक दोनों उस साइड और वापस से, फिर 20 रुपये आपका खर्चा होगा, लेकिन मज़ा जो है ना वो अलग लेवल का रहेगा। तो कभी ये चीज़ ट्राई करना। ये आ गया है घाट, गाड़ी लग रही है, लोग दीपदान कर रहे हैं। देखो जाते टाइम कितनी बाइक थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आते में केवल 6 बाइक थी, जाते वक्त 9 बाइक थी, उसके बाद भी थोड़ी जगह बाकी थी। बीच में बना हुआ है सेफ्टी के लिए, अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो गाड़ियाँ रहती हैं यहाँ पे बचाने के लिए। वैसे ऐसी कभी नौबत आती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए है। चलो फाइनली मैं घूम के आ गया हूँ और आप लोग को दिखा दिया है काफ़ी। आई होप कि आप लोग को भी मज़ा आया होगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे हर वीडियोस आप लोग देख पाओ, नोटिफिकेशंस आते रहें। अभी रेगुलर वीडियोस आने हैं और नई नई चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता रहूँगा। स्टंट राइडिंग भी बीच बीच में होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, नर्मदे हर।